Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th history 6th chapter, which is named as Entertainment and History. So in this chapter we had already completed our part 1 and part 2. Today we are going to discuss part 3. In part 3 our first topic is 6.4. So let's start. Indian film industry means India mein film industry ka kis tarah se starting hua. सो फर्स्ट क्या था सिनेमा. सिनेमा इज अ मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी. विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर द फिल्म इंडस्ट्री कम इनटू बीइंग. सो देखिए जो सिनेमा था वो एक तरह से आर्ट और टेक्नोलॉजी का क्या था, दोनों का मिश्रण था, मिक्सचर था. और ये टेक्नोलॉजी पिक्चर में कैसे कन्वर्ट हो गई, जब ये मोशन में आ गई. मोशन में मीन्स इन द सेंस बोला जाता है जैसे चलित फिल्म मीन्स जैसे जब फिल्म बनी तो ऐसा जरूरी नहीं जो पहली फिल्म बनी होगी बहुत चली होगी. क्या होता है पहली फिल्म बनी तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसे बहुत लोगों ने देखा होगा. चलना मतलब इन द सेंस मोशन में आ गई, मतलब जब चलने लगी बहुत तेज़ी से. इट गेव राइज टू द ईरा ऑफ साइलेंट मूवी. सो इसने क्या किया, जब मूवी स्टार्ट हुई तो उसका सबसे पहले मूवी था वो जो था वो साइलेंट मूवी था, मतलब उसमें आवाज़ नहीं आती थी, वो सिर्फ एक तरह से बोला जाता है ड्रामा होता था, उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं थी. सबसे पहला जब मूवी का स्टार्टिंग हुआ वो एक साइलेंट मूवी से स्टार्टिंग हुआ. लेटर द टेक्नोलॉजी ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग वॉज इंट्रोड्यूस एंड द एज ऑफ साउंड मूवी बिगेन. फिर आगे चलकर जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ और जो साउंड वाली मूवी थी जिसमें आवाज़ भी आती थी ड्रामा भी होता था वैसी मूवी स्टार्ट हुई जैसी आज हम लोग देखते हैं. मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहली मूवी बनी थी वो 1912 में बनी थी और उसका नाम था हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र. और वो मूवी जो थी वो साइलेंट मूवी थी. उसके बाद जो दूसरी मूवी बनी जिसमें साउंड था, जिसे साउंड मूवी बोल सकते हैं, वो मूवी 1913 में बनी थी और उस मूवी का नाम था आलमारा. नेक्स्ट, डू यू नो टाइप ऑफ मूवी. टाइप ऑफ मूवी में पहला क्या है, सेट्रिकल. सेट्रिकल मूवीज मतलब जो एक तरह से बोला जाता है कि कॉमेडी. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्रीज. डॉक्यूमेंट्रीज जैसे आपको पता होगा डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती है, जैसे लीजेंड्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी होगी, जैसे आपने एक मूवी देखा है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी. वो भी क्या एक तरह से डॉक्यूमेंट्री है जो एक रियल स्टोरी पे बेस होती है. एडवर्टाइजिंग फिल्म. एडवर्टाइजिंग फिल्म मतलब विज्ञापन करना. उसके बाद चिल्ड्रेंस फिल्म, बच्चों के ऊपर रिलेटेड फिल्म. मूवीज़ अबाउट आर्मी, आर्मी से रिलेटेड मूवीज़, जैसे आपने केसरी मूवी देखा होगा वो आर्मी से रिलेटेड है, बॉर्डर मूवी देखा होगा वो आर्मी से रिलेटेड है. एजुकेशनल मूवी. एजुकेशनल मूवी जैसे आपने सुपर 30 मूवी देखा होगा वो एजुकेशनल मूवी है. तारे जमीन पर देखा होगा वो भी एजुकेशनल मूवी है. नेक्स्ट, मूवीज़ नरेटिंग अ स्टोरी. उसके बाद क्या बोल रहा है कि मूवीज़ जो है पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर होती है, स्टोरीज़ के ऊपर. मूवी की सबसे पहले स्टोरी, पहले कथा लिखी जाती है, उसके बाद मूवी क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, एक्सेट्रा. द हॉनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फिल्म फुल लेंथ मूवी गोज टू द महाराष्ट्र. बोल रहा है कि जो मूवी का, पूरी मूवी जो बनी और जो स्टार्ट हुई वो महाराष्ट्र में ही स्टार्ट हुई, उसका श्रेय किसको जाता है, महाराष्ट्र को जाता है. महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. बोला जाता है कि महाराष्ट्र को ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जनक माना जाता है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदन राव पितले एंड पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र, सखाराम, भटवदेकर, ऑल्सो नोन एज द सवे दादा. बोल क्या रहा है कि जो महाराष्ट्र फिल्म में कंट्रीब्यूशन दिया था उनके नाम यहाँ पर दिया है, जैसे मदन राव, माधव राव चितले, सॉरी पितले. नाउ नेक्स्ट जो है कल्याण के पटवर्धन परिवार ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है. उसके बाद हरिश्चंद्र सखाराम ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनको सावे दादा भी कहा जाता था, हरिश्चंद्र सखाराम को. ये उनका पूरा नाम है, हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर.
तो इन्होंने भारतीय फिल्म में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे कि इन्होंने महाराष्ट्र में योगदान दिया था, लेकिन फुल लेंथ जो मूवी थी वो महाराष्ट्र में ही स्टार्ट हुई थी, इसीलिए महाराष्ट्र को एक तरह से पूरी मूवी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, कि सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में ही फुल मूवी बनी थी और रिलीज हुई थी। नेक्स्ट, लेटर गोपाल रामचंद्र तोरने, ऑल्सो नोन एज दादा साहेब तोरने, एंड AP करंदीकर, SN पटनकर, VP दिवेकर सोट हेल्प फ्रॉम अ फॉरेन टेक्निक टेक्नीसियंस एंड मेड अ मूवी इंटायर पुंडलिक। सो देखिए क्या बता रहा है कि गोपाल रामचंद्र तोरने, जिसको हम लोग दादा साहेब तोरने भी कहते थे, साथ ही साथ AP करंदीकर, SN पटनकर, VP दिवेकर, ये सभी ने मिलकर क्या किया, फॉरेन जो विदेशी टेक्निक थी उसका यूज़ करके इन्होंने मूवी बनाई। और उस मूवी का नाम क्या था, देखें यहाँ पर दिया हुआ है, उस मूवी का नाम पुंडलिक। और ये मूवी जो है मुंबई में रिलीज़ हुई 1912 में। नेक्स्ट, राजा हरिश्चंद्र अ मूवी डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के वॉज द फर्स्ट टू बी प्रोसीड कंप्लीटली इन इंडिया। सो देखिए, राजा हरिश्चंद्र नाम की मूवी दादा साहेब फाल्के ने बनाई और ये रिलीज हुई मुंबई में 1930 में। ही ऑल्सो क्रिएटेड अ साइलेंट मूवीज नेम्ड अ मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान, ऑल्सो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द रॉक कट केव ऑफ वेरूल एंड पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ नासिक एंड त्रिबकेश्वर, लेटर अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवी ऑफ हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट कम इन टू बींग। सो 1913 में दादा साहेब फाल्के ने तो राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी साइलेंट्स मूवी बनाई, जैसे कि उस मूवी का नाम था मोहिनी भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान, एंड उन्होंने रॉक कट केव वेरूल की जो गुफाएं हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसके बाद पिलग्रिमेज सेंटर जो है नासिक में एंड त्रिम्बकेश्वर में। सो पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा। सो जो तीर्थ यात्राएं होती है नासिक में और त्रिम्बकेश्वर में, उससे उसके ऊपर रिलेटेड मूवी बनाई। फिर आगे चलकर क्या होने लगा, ये जो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट थे इसके ऊपर मूवी बनना स्टार्ट हो गया। सो इस तरह से दादा साहेब फाल्के को क्या कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। यही थे जिन्होंने सबसे पहला मूवी डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था दादा साहेब फाल्के। इसीलिए इंडियन सिनेमा में दादा साहेब फाल्के नाम का एक अवार्ड भी है जो हीरो हीरोइंस को दिया जाता है। नेक्स्ट, आनंद राव पेंटर द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ द इंडियन ऑफ इंडियन मेक ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ मूवीज हिज कजन बाबू राव पेंटर ऑल्सो नोन एज अ मिस्त्री मेड साईरंधारी इन 1980। ही मेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सिम्हागढ़ विच वॉज अ साइलेंट वन। सो देखिए, ये आनंद राव जो पेंटर थे उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सिने कैमरा बनाया था, ठीक है, इंडिया में। बट उन्होंने आगे चलकर इंटरेस्ट दिखाया मूवी डायरेक्ट करने में। सो उनके कज़न थे जिनका नाम था बाबू राव पेंटर, उनको सब लोग मिस्त्री भी बोलते थे। सो उन्होंने पहली मूवी बनाई 1980 में जिसका नाम था साईरंधरी। उसके बाद उन्होंने आगे चलकर एक मूवी बनाई सिम्हागढ़, और ये जो सिम्हागढ़ मूवी थी और ये जो साईरंधरी थी, ये दोनों मूवी साइलेंट मूवी थी। ही ऑल्सो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवी लाइक कल्याणचा कंजीरा कंजीना एंड बाजी प्रभु देशपांडे एंड नेताजी फलकर। ही ऑल्सो मेड अ मूवी ऑन रियलिस्टिक सोशल इशू इंटायर्ड सौकरी पास। साहूकारी पास का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं साहूकार लोग का जो फंदा, एक तरह से साहूकार लोग का जो दबाव रहता था उसे हम बोल सकते हैं साहूकारी पास। इन 1925 बाजी प्रभु पेंढारकर मेड अ मूवी इंटाइटल्ड बाजीराव मस्तानी।
However, the British government suspected it to be a medium of spreading nationalistic sentiment and it was banned. So, क्या बोल रहा है कि इन्होंने ऐसी ऐसी मूवी बनाई, जैसे मूवीज़ का नाम देखिए था क्या क्या था. पहली मूवी थी सौरंधरी जो साइलेंट थी, दूसरी मूवी थी सिन्हागढ़, उसके बाद उन्होंने आगे चलकर कल्याणचा, खजीना, उसके बाद बाजी प्रभु देश पांडे, नेताजी, पलकर जैसी बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज़ बनाई. लेकिन उन्होंने 1925 में एक मूवी बनाई जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी. बट ये सारी मूवीज़ जो ये बना रहे थे उसमें कुछ मूवी ऐसी थी जो सोशल इशू के ऊपर थी, जैसे साहूकारी पास. साहूकारी पास मीन्स क्या था कि साहूकार लोगों का जो दबाव होता था छोटे लोगों के ऊपर, उसके ऊपर वो मूवी बनी थी. तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा उस टाइम पर, 1925 में ब्रिटिश तो हमारे यहाँ पर रूल कर ही रहे थे, तो उनको क्या लगा कि ये एक तरह से नेशनलिज्म फैला रहे हैं. इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इन सारी मूवी को बैन कर दिया. और उसी में ये वाली मूवी भी बैन हो गई थी जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी. तभी तो आगे चलकर 18 दिसंबर 2015 में वापस से बाजीराव मस्तानी बनी, जिसको डायरेक्ट किया संजय लीला भंसाली ने. और उसमें जो बाजीराव का किरदार निभाया था वो थे रणवीर सिंह, और जो मस्तानी का किरदार निभाया था वो थी दीपिका पादुकोण. तो ये मूवी आपने देखा होगा जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी. तो ये पहले भी बन चुकी थी 1925 में, बट इसको ब्रिटिशों ने सस्पेंड कर दिया था, इसीलिए 2015 में इसको संजय लीला भंसाली ने फिर से बनाया. नेक्स्ट, कमलाबाई मंगरूलकर वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर. सो देखिए, कमलाबाई मंगरूलकर जो थी वो पहली वुमेन थी जो प्रोड्यूसर थी. सी प्रोड्यूस्ड सावल्या, तांडेल एंड पन्नादाई हिंदी, ये मूवी का नाम है. ये हिंदी मूवी थी. इन्होंने क्या किया था, इन दोनों मूवी को प्रोड्यूस किया था. उसके बाद राम शास्त्री, अ मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी इन 1944 बिकेम वेरी पॉपुलर. सो राम शास्त्री नाम की एक मूवी थी जिसको प्रभात नाम की एक कंपनी ने बनाया था, और वो 1944 में बनी थी जो बहुत पॉपुलर हुई. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ फ्यू मूवी वेयर मेड ऑन सॉरी अ फ्यू मूवीज वेयर मेड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम कुछ मूवीज़ ऐसी बनी जो क्या थी, हिस्टोरिकल थीम के ऊपर बेस्ड थी. जैसे आचार्य अत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फुले, एंड विश्राम बेड़ेकर मेड मूवी ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के. ये जो वासुदेव बलवंत फड़के थे ये एक तरह से फ्रीडम फाइटर थे. दिनकर डी पाटिल मेड अ मूवी एंटाइटल्ड धन्य ते संताजी धनाजी. अब धन्य ते संताजी धनाजी का मतलब क्या है, धन्य है वे संताजी और धनाजी. सो आपने सेवेंथ की हिस्ट्री में पढ़ा होगा संताजी और धनाजी के बारे में, इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था. बाल शिवाजी द मूवी मेड बाय द प्रभाकर पेंडारकर ऑल्सो नीड अ स्पेशल मेंशन. सो बोल कह रहा है कि बाल शिवाजी के ऊपर मूवी बनाई थी जिनका नाम था प्रभाकर पेंडारकर ने. सो ये सारी मूवीज़ बनी थी जो हिस्ट्री के ऊपर रिलेटेड थी, और कमलाबाई मंगलूरकर जो थी वो पहली वुमेन प्रोड्यूसर थी. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यू वुड लाइक टू नो दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट अ स्पेशल डिवीज़न फॉर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्री को क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल डिवीज़न बनाया था, और उस डिवीज़न को नाम दिया था फिल्म डिवीज़न. द डॉक्यूमेंट्री रिलीज बाय द डिवीज़न यूज टू शो द सिनेमा थिएटर्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मेन मूवीज. सो बोल रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होती थी जो किसने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, और वो डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो कोई भी मूवी स्टार्ट होती थी तो उसके पहले दिखाया जाता था. जैसे आज एडवर्टाइजमेंट आता है तो वैसे ही पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रिस्ट्रिक्शंस था, मूवी को देखने से पहले कुछ अवेयरनेस था जो क्या होता था, मूवी स्टार्ट होने से पहले दिखाया जाता था. दे वेयर एम्ड टू क्रिएटिंग अ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अ वेरियस इशू. सो इसका मेन एम क्या था, ये डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का मेन एम क्या था कि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस आए, गेदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये बोल रहा है ऐसा. नेक्स्ट, संत तुकाराम
इज अ मूवी टू हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल अक्लेम. इट वॉज सो इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन पेरिस. अक्लेम का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना. सो संत तुकाराम के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसने इंटरनेशनल अक्लेम किया, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली उसी, मतलब कि एक तरह से उसे फॉरेन कंट्री में भी बहुत पसंद किया गया. और ये मूवी पेरिस के एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी. विष्णु पंत पगनीस एक्ट एज अ संत तुकाराम इन दिस फिल्म. सो विष्णु पंत पगनीस जो थे उन्होंने संत तुकाराम का रोल किया था इस फिल्म में. नेक्स्ट क्या दिया है? लेट अस फाइंड आउट. लेट अस सर्च ऑन द इंटरनेट द नेम ऑफ अ हिस्टोरिकल मूवी विच आर नॉट मैंशन इन दिस लेसन एंड लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ दोज नेम. सो क्या बोल रहा है कि इंटरनेट से आप हिस्टोरिकल मूवी सर्च कीजिए जिस हिस्टोरिकल मूवीज का नाम इस चैप्टर में नहीं दिया है. सो आपके स्क्रीन पे हिस्टोरिकल मूवीज़ के नाम डिस्प्ले हो रहे होंगे, सो आप उसे देख सकते हैं और उससे और आपको कुछ पता है तो आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल मूवीज़ वे आर ऑल्सो मेड इन हिंदी. सो हिस्टोरिकल मूवी हिंदी में भी बहुत सारी बनी. द हिंदी मूवीज़ मेड इन अ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. आज़ादी के पहले जो हिंदी मूवीज़ बनी उसके नाम दिए हैं, जैसे सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ एंड मुगले आजम वे आर मेड विद द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप. सो ये सारी मूवी जो थी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी. डॉक्टर कोटंसी की अमर कहानी, डॉक्टर कोटड़ीस है वो, सॉरी कोटड़ीस, डॉक्टर कोटड़ीस की अमर कहानी. ये थोड़ा हिंदी सेंस में दिया है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. सो डॉक्टर कोटड़ीस की अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी. सो ये जो मूवी थी जिसका नाम था डॉक्टर कोटड़ीस की अमर कहानी, ये मूवी जो थी वो क्या थी, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी. द मूवी इज़ बेस्ड ऑन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सच एज आंदोलन, झांसी की रानी ऑल्सो डिजर्व अ मेंशन. सो कुछ मूवीज़ बनी थी जो इंडियन स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस का जो इंडियन स्ट्रगल चल रहा था उसके ऊपर बेस्ड थी, जैसे आंदोलन, झांसी की रानी. ये सारी मूवी क्या थी, इंडियन स्ट्रगल के टाइम पे जो कुछ हुआ था उससे रिलेटेड थी. नेक्स्ट, लेट अस फाइंड आउट. Find out the name of the historical Marathi movie made during the period of 1970 to 2015 which with the help of internet. So क्या बोल रहे हैं कि historical Marathi movie को, movie का नाम बताइए जो 1970 से लेकर 2015 के बीच में बनी थी. So देखिए आपके screen पर वो movies के नाम display हो रहेंगे और आपको कुछ पता है तो आप भी उसमें add कर सकते हैं. Next, प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियो, नवकेतन एक्सेट्रा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपिंग ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सो प्रोडक्शन स्टूडियो क्या होता है, जो मूवी को प्रोड्यूस करता है, जो मूवी का एडिटिंग करता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन स्टूडियो. सो प्रोडक्शन स्टूडियो के कुछ नाम दिए यहाँ पे, जैसे बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियोज, नवकेतन एक्सेट्रा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सो इन लोगों ने क्या किया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 6.5, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी. सो देखिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या क्या है. द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कैन एविल ऑफ मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन द फिल्म ऑफ ड्रामा एंड मूवी. सो देखिए जो बोल कह रहा है कि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो एविल मतलब एक तरह से प्रॉफिट लेना, लाभ लेना, वो क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं. कैसे, कौन सी फील्ड में, ड्रामा और मूवी के फील्ड में. सो सबसे पहला है ड्रामा. इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स ऑन द स्टेज, कीप नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कंसर्न पीरियड इन इसेंशियल. एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कैन वर्क एज आर्ट डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेंट्स. सो देखिए क्या बोल रहा है कि जो ड्रामा होते हैं उसमें तरह तरह की एक्यूरेसी, उसके बाद उसके बैकड्रॉप्स क्या हैं, एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको अगर
सपोज कीजिए किसी हिस्ट्री के ऊपर कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, सो अगर आपको उनके कॉस्ट्यूम्स के बारे में पता है, उस टाइम के लोग बाल वाल कैसा रखते थे उसके बारे में पता है, उस टाइम के लोगों का जो कपड़ा था उसका कलर किस तरह का होता था उसके बारे में अगर आपको पता है, सो ये सारी जानकारी अगर आपको पता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको आर्ट के बारे में पता है, ये देखिए यहाँ पर दिया है, अगर आर्ट के बारे में पता है तो आप एक तरह से डायरेक्टर के कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, बोला जाता है ना असिस्टेंट बन के आप काम कर सकते हैं। सो ये सारी नॉलेज है तो आपको इन सारी फील्ड में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नेक्स्ट क्या दिया है, द स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल एज द डायलॉग राइटर्स नीड असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट इन लैंग्वेज। सो जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं और जो डायलॉग लिखने वाले लोग होते हैं उनको जो है असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो कैसा होना चाहिए, जिसको नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, एक तरह से नॉलेज में एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज एक्सपर्ट इन अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द गिवन पीरियड। सिर्फ लैंग्वेज की हिस्ट्री में ही उसको एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उस टाइम पे जो कल्चर चल रहा था, उस टाइम का जो पीरियड था वो किस तरह का था, उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में भी उसे नॉलेज होना चाहिए। सो वो भी क्या कर सकते हैं, ये भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, आप स्क्रिप्ट राइटर एंड डायलॉग राइटर्स बन सकते हैं। सो अगर आपको नॉलेज है सो आपको इस फील्ड में भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक सिनेमा। फर्स्ट क्या दिया, द आर्ट डायरेक्टर ऑफ द मूवीज क्रिएट अ बैकड्रॉप डिज़ाइन ऑफ एटमोसफियर कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरीज मेकअप हेयर स्टाइल एक्सेट्रा सुटेबल टू द टाइम ऑफ द थीम ऑफ द मूवीज। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन वर्क इन द फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर और एज अ कंसल्टेंट टू द आर्ट डायरेक्टर। सो देखिए क्या बोल रहा है कि सिनेमा में आपको आर्ट डायरेक्टर और का भी एक तरह से काम मिल सकता है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास आप मूवीज़ में जो है एटमॉस्फियर मतलब जिसके ऊपर मूवी बन रही है, सपोज़ कीजिए शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी बन रही है, सो उस टाइम का एटमॉस्फियर कैसा होता था वो आपको क्रिएट करना है, उस टाइम के कॉस्ट्यूम्स कैसे होते थे, उस टाइम पे लोग ज्वेलरीज कैसे पहनते थे, उस टाइम पर लोगों उस टाइम की तरह लोगों का मेकअप करना, उस टाइम की तरह लोगों का हेयर स्टाइल बनाना, और साथ ही साथ उस टाइम पर लोगों का सोशल लाइफ कैसा था, तो वो सारी थीम को क्रिएट करना यही होता है आर्ट डायरेक्टर का काम। सो एक तरह से अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है सो आप क्या कर सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर के कंसल्टेंट्स भी बन सकते हैं और आर्ट डायरेक्टर भी बनकर वर्क कर सकते हैं सिनेमा के फील्ड में, तो ये भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। टू राइट अ मूवी डायलॉग नॉलेज ऑफ द कल्चरल एंड लैंग्वेज एज स्पोकन इन द कंसर्न पीरियड इज नेसेसरी। सो अगर आपको मूवी में मूवी के डायलॉग्स लिखने सपोज कीजिए, सो मूवी को अगर मूवी के डायलॉग्स होते हैं ना जो स्क्रीन के कैमरे के सामने जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं, तो वो डायलॉग्स लिखा होता है, वो अपने मन से नहीं बोलते, वो पहले उसे रीड करते हैं, उसे लर्न करते हैं, उसके बाद कैमरे के सामने जाकर बोलते हैं। सो उसको लिखता कौन है, उसको लिखते हैं मूवी राइटर्स लोग, सो मूवी के जो डायलॉग लिखने वाले होते हैं वो। सो अगर सपोज़ कीजिए आप मूवी के डायलॉग लिखने वाले लोगों में से एक हैं, आप मूवी के डायलॉग्स को लिखते हैं, सो सपोज़ कीजिए किसी हिस्ट्री के ऊपर मूवी बन रही है, सो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम की लैंग्वेज कैसी थी, उस टाइम पर लोग किस तरह से बोलते थे। सो अगर ये सारी नॉलेज है तो आप मूवी डायलॉग भी लिख सकते हैं, सो इसमें भी आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक्सपर्ट इन दोज फील्ड कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो अगर आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज है जो हमने पढ़ा 6.5 में, सो आपको भी इंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो इस तरह से हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री कंप्लीट होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको 6 चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।